और मैं इतना अच्छा लग रहा है जब मैं दिखाऊं अपना हाथ, ऐसा हो रखा है पूरा, और ऐसे मतलब है कि मैं लिखा अच्छा हूँ, मेरे फोन के डिस्प्ले पे पूरा इंक लग गया, मैं इतना अच्छा लिखा हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग भैंस के। चिंटू ने जब ब्रेकफास्ट रेडी करा, मॉर्निंग मॉर्निंग मैं थोड़ा लेट उठा ना, इसीलिए ऐसा हर दिन वही करता ब्रेकफास्ट रेडी, उतना जल्दी उठता है मेरे से, वो कुछ उसके पास काम होता है, मैं बोलता थोड़ा काम वाम का थोड़ा मन भी लगा रहेगा। दिखाऊं कितना प्यारा दिख रहा है ब्रेकफास्ट, ये बॉय मजा आ रहा है, कितना प्यारा दिख दिख तो रहा है भैंस के। एक्चुअली अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह ऐड करते हैं, फिर देखो आराम से खाएंगे। और इधर चिंटू का ऐसा है, ओके हाँ चिंटू भी प्यारा दिख रहा है इसकी, इधर मेरा है इधर चिंटू का। सो इसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट वगैरह ऐड करते हैं, फिर इसको अच्छे से खाएंगे। आज हमारे मतलब मैं बोलता ना कुछ दिन पहले एग्जाम हो रहा था हमारा, इंटरनल एग्जाम, फिर वो पोस्टपोन हो रहा था, 21 बजे समथिंग ऐसा कुछ होने वाला है, डेट दे दिया था बहुत देर पहले, लेकिन हमारे को उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं आज कि आज एग्जाम है करके, होता है ना रूटीन बेस से एक्चुअली हमारे को, कौन सा रोल नंबर कहाँ से कहाँ तक, कौन से क्लास में बैठे हैं, फिर उसके बाद रोल नंबर कहाँ तक बैठेंगे, कौन से क्लास में कौन से मैम आते हैं सर आते हैं, ये सब एक शेड्यूल बनाकर भेजते हैं हमारे ग्रुप में। और ये होता है एग्जाम से पहले होता है, पता चलता है कि इस तुम रूम में बैठे हो, ये इंटरनल में होता है, मेन एग्जाम में तो वहां जाके पता चलता है हमारे को, वहां पता चलता है कि तुम इस रूम में बैठो, इधर ये सर मैम आएंगे, और तुम्हें मतलब कैसे लोगों से तुम्हें एक लिस्ट मिल जाता है, मतलब एग्जाम से पहले एक दिन पहले, चाहे जैसे आज एग्जाम है तो आज मॉर्निंग तक आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक कितना 9 बजने वाला, ऑलमोस्ट 9 बजे ओवर हो गया एक्चुअली, 9:30 को ओवर हो गया, 10 बजने वाला एक्चुअली, अभी तक हमारे कुछ ऐसा अपडेट मिला नहीं, तो वही समझ में नहीं आ रहा कि एग्जाम आज होगा कि नहीं होगा, मतलब वो भी एक टेंशन वाली बात, ऊपर से मेरा आफ्टरनून शिफ्ट है, मैं मतलब गया और नोटबुक यही भूल के चला गया, तो हमें नोटबुक लिखना पड़ता है एग्जाम, ऐसा नहीं वहाँ A4 वगैरह मिलता है कुछ ऐसा, वो कॉलेज से पहले देते हैं हमारे को पतला पतला नोटबुक, उसी में एग्जाम लेते हैं हमारे से, तो वो लेके जाऊंगा ना जाऊंगा तो वो इतना टेंशन है, तो इतना हेडेक है, कुछ पता ही नहीं, तो फिर ऑब्वियसली बात है कुछ पता ही नहीं तो क्या ही करेंगे, पूछेंगे किसी ने किसी से, ऑब्वियसली पता करने की कोशिश करेंगे क्या सीन है नहीं है, फिलहाल अभी मॉर्निंग के लिए ब्रेकफास्ट करते हैं, पता भी करना पड़ेगा तो वो सब पता करते हैं, एक्चुअली अगर है तो थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे अच्छे बनने, और अगर नहीं है तो फिर क्या ही पढ़ेंगे, मतलब ऑब्वियसली उतना तो नहीं पढ़ना है ना जितना एग्जाम के टाइम में पढ़ना है, सो पता करते हैं क्या सीन है नहीं है, फिलहाल ब्रेकफास्ट रेडी है खाते हैं, ठंडा हो गया होगा सर ब्रेकफास्ट जहाँ तक मुझे लगता है, थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ उसको मिक्स करते करते वो ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा, सो लेट्स गो फटाफट फिनिश करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। एक्चुअली हमारे ग्रुप में कल ही भेज दिया था मैम ने कि कौन सा रूम किसको मिला है, कौन सा रोल नंबर कहाँ से कहाँ था, क्या कौन सा रूम में कौन सा मैम रहेंगे, बट मैंने कल से व्हाट्सअप खोला नहीं था ना, तो मुझे लगा था पता नहीं तो कोई अपडेट नहीं है, पता नहीं क्या से फालतू में सवेरे बड़बड़ करे जा रहा था मैं, लेकिन एक्चुअली आज एग्जाम भी है, कौन सा रूम नंबर को मिला है वो भी पता चल गया, कौन सा रूम में कौन सा मैम है वो भी सब पता चल गया, कल ही भेजा था मैंने, बट मैं व्हाट्सएप पर नहीं गया था ना, मुझे एक्चुअली पता नहीं चला था, इसलिए मैं सबसे बड़बड़ कर रहा था मॉर्निंग में। सो आफ्टरनून एग्जाम है कितना 2:30 से 4:30 तक 2 घंटे एग्जाम है, जाएंगे एग्जाम ऑब्वियसली, मेरा आफ्टरनून शिफ्ट भी है, और अचानक अभी आधा घंटा पहले मैसेज आ रहा ग्रुप में, जो मेन NS मैम होता है ना हमारे, जो हॉस्पिटल का मेन NS मैम होता है, बोला कि वो सबको बुला रहे, सबसे मिलना है, सबसे बातें बातें करना है, लाइक हर एक शिफ्ट को, जो आफ्टरनून शिफ्ट मॉर्निंग नाइट सबको बुला रखा है, जो मॉर्निंग शिफ्ट है वो ऑब्वियसली उनके लिए अच्छी बात है क्योंकि वो हॉस्पिटल में ही है, उनको कहीं जाने की जरूरत है नहीं, जो आफ्टरनून शिफ्ट है जो नाइट शिफ्ट उनको थोड़ा दिक्कत है कि भाई वो रेस्ट कर रहा है रूम में, वो आराम कर रहा है, उसको उस टाइम पे बुलाया जा रहा, तो ऑब्वियसली उनके लिए थोड़ा बहुत दिक्कत है, मैं तो गया नहीं, और मैंने फोन किया पूछा किसी से क्या सीन है नहीं है, बोला कि कुछ रिलेटेड टू ऐसा है कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट का फाइल बनता है ना, पेशेंट का फाइल उसमें रहता है सब कुछ, पेशेंट का हिस्ट्री वगैरह सब कुछ उसमें रहता है, तो उसमें किसी बच्चे ने कुछ लिख दिया है ऐसा जिससे दिक्कत हो रहा थोड़ा सा सबको, तो उसी के बारे में सर बात करने के लिए बुलाए हैं सबको, जहां तक मैंने पूछा जहां तक मेरे को पता चला है, अभी एग्जैक्टली पता चलेगा जब उधर मीटिंग से सब आएंगे और मैं किसी से पूछूंगा तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा उस टाइम, और फिर सोचेंगे बहुत सारा मैं मीटिंग में जाता क्यों नहीं हूँ, देखो ऑब्वियसली कोई लॉजिक नहीं बनता चीजों का, और वहां पर कोई ऐसा कंक्लूजन निकलता नहीं कि लगेगा हाँ भाई मैं रूम से सो रहा था, मैं आराम कर रहा था, मैं उठ के आया हूँ और फायदा हुआ है चीजों का, ऐसा कुछ होता नहीं, इसलिए मैं कभी जाता भी नहीं ऐसे मीटिंग वीटिंग में, सो कोई नहीं, मीटिंग शायद खत्म अभी होने वाला होगा, शायद हो भी गया होगा पता नहीं मेरे को, मैं 2 बजे अटेंडेंस जाने जाऊंगा, फिर एग्जाम जाऊंगा, उस टाइम सब इकट्ठे होंगे, उस टाइम सब मिलेंगे, तो उस टाइम मैं पूछ लूंगा क्या सीन है नहीं है, फिलहाल अभी लंच वंच बनाऊंगा, देखता हूँ क्या बनाने का, ऐसे कुछ मन भी नहीं कर रहा है, देखते हैं कुछ बनाएंगे अच्छा सा, जा रहे लंच वंच बनाते हैं, चिंटू नहा रहा है अभी निकलेगा तो फिर हम दोनों जाकर मिलकर कुछ बनाते खाने के लिए, देन फिर आफ्टरनून एग्जाम और ड्यूटी तो है ही। हाँ लंच बनाने कुछ ऐसा खास मूड था नहीं, तो हमने बस अंडा बॉइल करा और केला है, अंडा केला खा के चलो जाऊंगा मैं ड्यूटी पे अपने, फिर एग्जाम भी हो गया, टेन वगैरह कर लेंगे जाके। कितना खा रहा अंडा तू? बाकी मैं खाता हूँ अभी, मतलब ऐसे कुछ मन नहीं कर रहा था पता नहीं क्यों, लेकिन मन भी नहीं कर रहा था और तबियत वगैरह ठीक था नहीं, तो ऑब्वियसली ये सब खाना नॉर्मल से खा लेते हैं, रात को जब खाना खाएंगे जब ड्यूटी वगैरह से आएंगे, तो फिलहाल अभी यही खाते हैं और निकलेंगे फिर ड्यूटी पे, तो लेट्स गो बड़ी जाते हैं फटाफट एग्जाम लिखते हैं, और जो आएगा ऑब्वियसली वही लिखूंगा, ज्यादा ओवर करने की होता है इस चीज में, और क्या बोलते हैं लास्ट टाइम एग्जाम था हमारा तो ऐसे आफ्टरनून में एग्जाम था, और उस टाइम अटेंडेंस मिला नहीं था, बोला तो एग्जाम जब एग्जाम वगैरह लिखो, जब तुम एग्जाम लिख के आओगे उस टाइम तुम अटेंडेंस दूंगा, एक शाम को 2 अटेंडेंस, 2 होता है एक जाने वाला एक आने वाला, 2 अटेंडेंस हो गया होता है एक दिन में, सो आज पता नहीं क्या होगा, ऐसे कुछ बोलते हैं नहीं, लास्ट टाइम भी कुछ बोला था ऑन द स्पॉट, ये सब बात निकला था तुम जाओ एग्जाम लिखो तुम आना शाम को तुम अटेंडेंस दूंगा, आज पता नहीं क्या होगा, ये सब मुझे लगता है पहले इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइम वेस्ट हो ना फालतू हॉस्पिटल, तुम घुसो अटेंडेंस नहीं हुआ तुम फिर कॉलेज
वैसे टाइम से होता ऑब्वियसली, तो कोई नहीं ये होगा पतला सा बुक, पता नहीं एक दो पेज भर पाऊंगा ऑब्वियसली, अच्छी बात है। तो निकलते हैं, आगे बताता हूँ क्या सीन है। नहीं है फिलहाल मीटिंग वाला जो बात था मैं आगे बताता हूँ आराम से, क्योंकि मैं सुना उसके बाद मैंने पता करा क्या सीन है, तो आके आराम से अपडेट करता हूँ चीजों को। तो फिलहाल निकलते हैं, मेरे लिए कोई डिस्टर्ब करने की जरूरत है नहीं क्योंकि एग्जाम लेके जस्ट भी आ जाऊँ, जिम निकल का फटाफट ये बैग वैग रेडी कर रहा है, मैं ऐसे भी रेडी हूँ। और मैं इतना अच्छा लगा नहीं जब मैं दिखाऊँ अपना हाथ ऐसा हो रखा पूरा, और ऐसे मतलब है कि मैं लिखा हुआ अच्छा हूँ, मेरे फोन के डिस्प्ले पे पूरा इंक लग गया, मैं इतना अच्छा लिखा हुआ क्योंकि सर बहुत अच्छा वाला मिला था। सर लाइक सर मुझे खुद बोले लिख लिख लिख, सर बगल में खड़ा है ऐसे, मैं जैसे बगल में सर खड़ा है, मैं कैसे होता तो क्या सीन हो गया था, फिर भी लिखा बहुत तगड़े हूँ। फिलहाल निकलते हैं जिम, फटाफट जिम करके आते हैं, फिर मेरे को ड्यूटी भी निकलना पड़ेगा, पहले जाते फटाफट छोटा वर्कआउट है सिलेंडर का अच्छे से करके आते हैं। तो ये लोग जंप हो रहा है एकदम से, जिम गया था ड्यूटी जा रहा हूँ ऐसा जंप हो गया एकदम से, सीन ऐसा मैं जिम गया था, जिम कर रहा था हड़बड़ी में, जिम करा मैंने आधा आधा घंटा एक घंटा वर्कआउट करा, फटाक से वक्त आया बिना डेट दिया, फटाक से ड्यूटी पे गया, अभी अटेंडेंस देकर वापस रूम में आ रहा, इतना हड़बड़ी में करा ये सब काम, इतना हड़बड़ी में था ना। मेरा अंडा एक्चुअली रेडी था उस टाइम, चिंटू अपना अंडा खाया था, ये मेरे रेडी था अंडा, मेरे को बस अंडा खा के ड्यूटी निकला था, मेरे पे इतना टाइम नहीं था कि मैं दो मिनट निकल का अंडा खा के ड्यूटी जा पाऊँ उस टाइम, इतना हो गया था सर क्योंकि मतलब एग्जाम होता ना आफ्टरनून हमारा, तो एक अटेंडेंस मिला नहीं उस टाइम पे, दोनों अटेंडेंस अभी मिलना था, कोई बोल रहा है कि वार्ड में सिस्टर आएंगे, पता नहीं क्या सीन था, अगर आज नहीं मिलता अटेंडेंस तो पूरा दिन का ए लग जाता, कभी कभी होता है ना अटेंडेंस का भग गया तो आधा दिन का ए लगता है, आधा दिन का प्रेजेंट मिलता है, आज ऐसा था कि अगर आज नहीं मिलता ना अटेंडेंस किसी भी तरह से, आज का पूरा दिन का ए लग जाता, मतलब एक दिन पूरा ऑप्शन लग जाता था, उसके डर में जो भगा हूं यहाँ से लिटरली वर्कआउट करके जो भगा हूँ एकदम से, अभी भी मारे अभी बाहर वापिस जाना है, पहले अंडा वगैरह खाते हैं, भूख मेरे को लग गया था इसलिए मैं जब वार्ड में बैठा हुआ था ना, क्योंकि भूख एक्चुअली फील उस टाइम हो रहा था, तो फटाफट बाहर जाते हैं पेट्रोल भराना है, थोड़ा चिकन वगैरह लेकर आना है, तो पहले बाहर जाते हैं फिर ये सब काम करके आराम से आते हैं। लेट्स गो वर्ड ही निकलते हैं बाहर, थोड़ा पेट्रोल भरवाना है, थोड़ा सामान लेना बाहर से, वो सब करते हैं फटाफट आते हैं, कल देखते हो कौन सा ड्यूटी जाऊंगा मैं, कल अपडेट कर दूंगा, फिलहाल अभी निकलते हैं यहाँ से। क्यों गेट बंद कर लाके लड़का पूरा किला खत्म हो गया घर का, नंबर टू हो फिर सिखाया मैंने सब भाई समझ गया अच्छे से, गेट बंद कर ले। So, बाहर से अपने काम पे लग गया था एक्चुअली हमने जी, तो अपना काम लहसुन वहसन छिला, इधर चिकन मैंने धो के अच्छे से मैरिनेट के अंदर रख दिया मैंने, इधर दूध गर्म हो रहा है, क्यों था दूध देख रहा तू ठीक ना, और सीन पता क्या है केला लगा उतना अच्छा मतलब अच्छा दर्जन लगा केला का, दर्जन उठा के इसके अंदर रख रहा था मैंने, सब केला टूट के नीचे गिर गया, इधर चार पांच केला टूट के नीचे गिर गया दर्जन से बाहर ही, जबकि अच्छा दर्जन था एक्चुअली, मुझे पता नहीं किसे गिर गया वो। सो तो जल्दी खाना पड़ेगा, सबसे पहले उसको खत्म करेंगे खा के, अभी चूंकि ये सब काम कर रहे चिकन मैरिनेट पे है, पता नहीं सर आधे घंटे चाहे एक घंटे बाद आएंगे बनाने के लिए वापस चिकन को, तो भी खाना बन रहा है, तब तक मैं सोचा कि तुम्हें एक इंसिडेंट बता ही दे रहा हूँ जो हुआ था मीटिंग में, आज मैं बोल रहा हूँ वो एक मीटिंग हुआ था हॉस्पिटल में जहाँ पे मैं नहीं गया था, मैं रीजन बोला मैं क्यों नहीं गया था एक्चुअली, क्योंकि मेरे को एक्चुअली जाने से ना कुछ ऐसा लगता नहीं कि मैं आया हूँ और कुछ बेनिफिट हुआ है मेरे को एक्चुअली, सच में लगता है मैं जाकर टाइम वेस्ट करूँ लिटरली ऐसे फालतू मीटिंग में। सो मीटिंग बेसिकली ये था ना, मैं सर बोला था एक फाइल में कुछ लिखा था, क्या लिखा था मैंने वो तुम्हें नहीं बताया था ना लोगों ने, और बता रहा क्या लिखा था, कोई बच्चा पता नहीं कौन बच्चा अभी तक पता चला नहीं कि इसको कौन बच्चा है, बोला एक कोई बच्चा पेशेंट का फाइल में लिख दिया कॉलेज के बारे में उल्टा पुल्टा, सिस्टर के बारे में उल्टा पुल्टा लिख दिया, हॉस्पिटल के बारे में उल्टा पुल्टा लिखा, टोटल जहां तक मैंने सुना 10 पेज के आसपास है ना, 10 पेज के आसपास टोटल उसने लिख दिया उल्टा पुल्टा, एकदम उल्टा पुल्टा लिख दिया मैंने, कॉलेज अच्छा नहीं है, हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, यहाँ के मैम लोग अच्छा नहीं है, समथिंग ऐसा है ना, बहुत कुछ लिख के बैठ गया उधर ही पेशेंट के फाइल में। सो ऑब्वियसली सिस्टर लोग तो पेशेंट लोग को देखते हैं फाइल में क्या सीन नहीं है, तो सिस्टर ने देखा क्या सीन नहीं है, उनने मेन सिस्टर को मेन जो मैम होता है ना हमारे हॉस्पिटल का एनएस मैम, उनको उनने कंप्लेन करा, फिर किसी और ट्विस्ट कहाँ पे आ रहा है पता है, कोई बच्चा ये हरकत करा है, पता नहीं कौन सा बच्चा हरकत करा, उसने निजाम लिख दिया फ्रॉम फोर्थ ईयर बीएससी, लाइक हम फोर्थ ईयर बीएससी से है ना, वहाँ लिखे फ्रॉम फोर्थ ईयर बीएससी, अब सब हमें ही पकड़ रहे हैं, हमारे बैच को सब पकड़ रहा है, अब किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कोई अगर वहाँ पे लिखा फ्रॉम फोर्थ ईयर बीएससी से, मतलब ये नहीं वो बीएससी फोर्थ ईयर से ही है भाई, कोई बच्चा अगर चोरी कर रहा है तो वो लिख के जाएगा नहीं कि मैं चोरी करके जा रहा हूँ भाई, ऑब्वियसली वो चाहेगा कोई और फंसे मेरे बदले ना, कोई चोरी करके भागा तो वो चाहेगा मेरे बदले को और फंसे अपने फंसाने के लिए, कुछ भी कर सकता है लाइक वो बंदा, लिखे फोर्थ ईयर बेसिक उसने हमारे बैच को पकड़ा, हमारे बैच को बुला के फिर ऐसा आल वाल कुछ बका, मैं तो गया नहीं था ऑब्वियसली, एक्चुअली बहुत सारे नहीं गए थे सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे एक्चुअली नहीं गए थे, सो हमारे को वहाँ पे बिठा के लगा हमारे बैच को बोला कि ये कॉलेज अच्छा है ऐसा लिखो तुम साइन करो बगल में, समझ रहे हो बच्चे लोग करा जो गया था वो लोग ऑब्वियसली वो लोग करा, सर कुछ और भी बोला कि ये फलान डमगन जो बोला है और बहुत कुछ एक्चुअली लिखा था उस पेपर में, कॉलेज के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, स्टाफ लोग जो एक्चुअली काम करते हैं उसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था, उसने वो लिखा जो एक्चुअली मन में सोचते हैं, उसने वहां पर लिख के मतलब पता नहीं क्या प्रूफ कर दिया, पता नहीं साबित कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया उसने लिख के, बट खैर वो सब चलता रहेगा, अभी किचन में मेरा खाना बनना है, मैं खाना वाना खाऊंगा, कल देखते हो कौन सा शिव जाऊंगा, मैं कल अपडेट कर दूंगा, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, अच्छे नए व्लॉग के साथ, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।